Hi friends and welcome back to the channel. Am I Muhammad Ibrahim, architecture and interior designing projects. Since you have been watching my videos on different topics, today I would like to show you the third video of the ongoing series of videos. So let us begin the day with this shoot. Shall we begin? और आज 10 तारीख है, कल का इंतज़ार है मुझे, और अभी 9 बज रहे हैं। कंटिन्यूस एक हफ्ते से डेली वीडियोस शूट कर रहा हूँ यही टाइम पे सुबह उठ करके, और पूरा दिन एडिटिंग में जाता है, फिर रात में अपलोडिंग में जाता है। तो काफ़ी अच्छा महसूस भी हो रहा है अंदर से, एक सेटिस्फैक्शन हो रहा है अंदर, कंटेंटमेंट हो रहा है। 1000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं पूरे। बस इसी तरह से आप अपना लव एंड सपोर्ट मुझे दिखाते रहिएगा और दुआएं भी दीजिएगा, ताकि मुझे अच्छे बड़े आर्किटेक्चरल एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट्स भी मिल सके, वो भी दिखा सकूं, क्योंकि इस वक्त तो मार्केट सैचुरेटेड है। इस वजह से आपको कोई नया वीडियोस दिखा नहीं पा रहा हूं, आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूं। यही रीज़न है कि मैं अपने सारे पुराने जो वर्क्स हैं वो आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं। ठीक है गाइस, चलो गाइस शुरू करते हैं। पर्सपेक्टिव ऑफ बंगलो प्लान दिए थे, एलिवेशन दिए थे, उसका पर्सपेक्टिव बनाने बोला गया था। ये सारी शीट मैंने प्रिजर्व करके रखा है, ऐसा नहीं है कि रीडू वाली शीट्स जो है वो मैंने फेंक दी है, नहीं, काम किया है तो भाई भरोसा है पूरे काम के ऊपर, अपनी मेहनत लगी है तो उसको रखना ही है शो करने के लिए। रेक्टेंगल एंड हेक्सागन्स के वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, ये बंगलो पर्सपेक्टिव, इसको डॉटेड रेंडरिंग करना था, स्टिपलिंग जिसको कहते हैं, स्टिपलिंग रेंडरिंग करना था। देख सक रहे हैं कॉम्पोजिशन, ये प्लान है, इसका एलिवेशन है, प्लान में टिल्ट किया है, उसका फ्रंट एलिवेशन निकालिए, साइड एलिवेशन खुद ब खुद इसे मिल जाएंगे। ये कॉम्पोजिशन, पर्सपेक्टिव कॉम्पोजिशन, ये हमारी, हमको याद है स्टूल है, हमको कहा गया था आइसोमेट्रिक व्यू बनाओ स्टूल, तो ऐसी स्टूल रहती। ये भी फर्स्ट ईयर की शीट है, पर्सपेक्टिव कॉम्पोजिशन, पूरा इमेजिनेशन, दिस इज ऑल बेस्ड अपॉन आवर इमेजिनेशन स्किल्स। सो आर्किटेक्ट बनने के लिए बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं, आर्किटेक्ट बनने के लिए या ये फील्ड में एंटर करने के लिए हमारी ड्राइंग अच्छी होनी पड़ती है ना, नॉट नेसेसरीली ओनली ड्राइंग स्किल्स चाहिए, नहीं, ड्राइंग स्किल्स के अलावा अगर नहीं भी हैं तो इमेजिनेशन स्किल्स तो चाहिए ही चाहिए आपको, वो सबसे ज़्यादा मेन है। इमेजिनेशन स्किल्स फर्स्ट हैं, ड्राइंग स्किल्स सेकेंड आते हैं। ये पर्सपेक्टिव ऑफ, ये पीपी 2 सेंटीमीटर बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, इसमें साथ मिला हुआ है, देख सक रहे हैं लाइंस की थिकनेस और बोल्डनेस लाइंस की, आप देख पा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूँ, मैं मुस्कुरा इसी ले रहा हूँ क्योंकि इसके भी पीछे एक मेमोरी है जो कि मैं आपको रिवील नहीं करना चाहता। कट ऑब्जेक्ट इट मींस, ये अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल को कट किया है हमने तो कैसे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ ये बता देता हूँ आप लोग को, ये शीट्स जो हैं वो कार्ट्रेज की शीट्स हैं। 3 टाइप की शीट्स हम यूज़ करते थे, कार्ट्रेज तो नॉर्मल हम यूज़ ही करते थे ड्राफ्टिंग के लिए, जो नॉर्मली हमें सजेस्ट किया जाता था करने के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी क्लैरिटी आती है और बोल्डनेस और डार्कनेस अच्छी आती है। फिर आती है टीके पेपर, जो ये वाइट कलर की ये टीके पेपर रहती है। और तीसरी टाइप की जो शीट हम यूज़ करते थे
वो काट काट रही थी, वो इससे डबल ट्रिपल थिकनेस थी, मगर उसके बैक साइड ऐसा स्मूथ था, फ्रंट साइड उसका ऐसा रफ था। साइग्राफिक कॉम्पोजिशन टू हेक्सागन प्रिज्म सिलेंडर प्लान एंड एज ब्रेसिंग एंड फ्रेम डोर। स्कार्फ जॉइंट वुडन में एक स्कार्फ जॉइंट रहता है, वो कैसा लगता है? एक्चुअली जॉइंट्स से जो भी चीज़ें बनती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं और लाइफ लॉन्ग चीज़ें रहती हैं। ये कॉर्नर जॉइंट्स होते हैं, कॉर्नर में जॉइंट्स बहुत टाइप के होते हैं, ओपन टेनन ऑन मोर्टाइस जॉइंट होता है, फिर लैप जॉइंट होता है, डबल टेनन एंड मोर्टाइस जॉइंट होता है, जॉइंट्स इन टिम्बर। ये थी फर्स्ट ईयर की, ये ब्रिक्स कैसे ले करते हैं हम और ब्रिक्स से वॉल खड़ी की जाती है, कैसे की जाती है, ये तो कैसे। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, ये सब फर्स्ट ईयर कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। ये डिटैच्ड पियर, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये ब्रिक्स टाइप्स ऑफ ब्रिक्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं। ये प्रेस्ड ब्रिक्स जो होती है, बीच में फ्रॉग कहते हैं उसे, जहाँ पर भी नेम ऑफ द कंपनी आता है वो उसी के अंदर रहता है। और ये क्यों दिया हुआ रहता है, इसे एडहेशन करने के लिए वो देता है, इसको एडहेस कर लेता है वो, क्योंकि वो थोड़ा गहरा रहता है तो सक कर लेता है, मतलब एडहेस कर लेता है, एक जॉइनरी फिक्सचर रहता है वो। और ये हाफ बैट, हाफ कर देंगे एक ब्रिक को, फुल ब्रिक को, तो हाफ बैट हो गया। डबल बुलनोज, बुलनोज बनाने के लिए एक राउंडेड कर्व दिया जाता है दोनों तरफ से, उसको डबल बुलनोज कहा जाता है। फिर बेवेल्ड बैट लार्ज, इसको एंगल पे काटा जाता है, तो बेवेल्ड ये 3/4 यहाँ से रहे, यहाँ से हाफ, तो ये बेवेल्ड बैट कहा गया। क्वीन क्लोजर क्वार्टर, क्वार्टर एकदम क्वार्टर क्वीन क्लोजर रहता है, तो वो कैसा, मतलब 3/4 ब्रिक का ही क्वार्टर करेंगे। तो ये माइट्रेट क्लोजर, माइट्रेट जॉइंट तो आप लोग को मालूम होगा, तो उस तरीके से काटे तो ये हो जाता। फिर 3/4 बैट, 3/4 काटेंगे तो वही हो जाता। फिर बिवेल्ड बैट स्मॉल, बिवेल्ड करेंगे बैट स्मॉल। एक्चुअली ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें नॉर्मल लाइफ में इनके नाम के थ्रू आपको नहीं कहीं भी देखने मिलेगी, बट ये है कि ब्रिक वॉल जब रेस करते हैं या कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं ब्रिक से, तो उनको वो स्ट्रक्चर को शेप करने के लिए ये टाइप्स की ब्रिक यूज, ये टाइप्स में एक ब्रिक को काटा जाता है वो शेप प्रोवाइड करने के लिए, इसीलिए उनके नाम दे दिए गए हैं। तो एक नॉलेजेबल जो इंसान रहेगा उसे आप ये बोलेंगे तो वो समझेगा, और अगर दूसरे तरफ से देखेंगे, अगर आप ये सब नॉलेज गेन करते हैं और आप क्लाइंट्स को बताते हैं अगर कैसा कैसा होएगा और ये सब यूज़ करते हैं टर्मिनोलॉजीज, तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट और इम्प्रेशन क्रिएट भी होगा। तो ये चीज़ भी है। किंग क्लोजर जो होता है वो कैसा, क्वीन क्लोजर हाफ जो होता है वो कैसा होता है, स्प्ले स्ट्रेचर कैसा होता है, स्प्ले हेडर कैसा होता है, तो ये सब चीज़ें।